आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे जो कि एकदम खिली खिली बनेगी और इसको हम फास्टिंग में या व्रत में खा सके ऐसी हम खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए साबूदाना। मैंने यहाँ पर नॉर्मल साबूदाना जो आता है वो ही लिया है। साबूदाने दो तरह के आते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप साबूदाना लिया है। उसको हमें पानी से अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करके भिगो देना है 5 से 6 घंटे के लिए। हमें इसमें पानी इतना ही डालना है कि ऊपर से ढक जाए, पानी से ज्यादा नहीं डालना है। इसको आप होल नाइट भी भिगो के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये साबूदाना हमारा अच्छे से खिल गया है, बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। हमें ऐसा ही साबूदाना चाहिए जिससे कि हमारी खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी और बिल्कुल भी साबूदाना चिपकेगा नहीं एक दूसरे से। अब इसको हम बनाने के लिए एक हैवी बॉटम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल हो जाए उसके बाद हम इसमें 5 से 6 पत्ते करी लीव्स के डालेंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद 1/4 कप हम मूंगफली दाने डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप कटा हुआ आलू डालेंगे। 1 चम्मच हम सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट डालेंगे और इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसको हम ढक के 2 से 5 मिनट के लिए आलू को पका लेंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कि आलू चिपके नहीं। आलू को हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पक चुका है या नहीं। ये अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम भीगा हुआ साबूदाना ऐड करेंगे। के बाद हम इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक दोबारा से ऐड करेंगे साबूदाने के हिस्से का। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोस्टेड मूंगफली दाने को क्रश कर लिया है। हमें इतना दरदरा क्रश करना है। इसमें हम 3 से 4 चम्मच डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम लेमन जूस ऐड करेंगे और हरा धनिया डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ढक के 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से हिलाएंगे। अभी हमारा साबूदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, इसके लिए हम इसको डबल बॉयलर पे स्टीम देंगे। हमें ऐसे नीचे कढ़ाई में पानी भर के ऊपर से हम इसको ऐसे ढक के रख देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पानी बॉयल हो चुका है और अच्छे से ये डबल बॉयलर पे गर्म भी होती रहेगी और अच्छे से साबूदाना हमारा पक जाएगा, मीन्स के ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें तो साबूदाना हमारा कभी भी चिपकेगा नहीं और साबूदाने की खिचड़ी हमेशा खिली खिली बनेगी। यदि उसको हम नॉर्मली पकाते हैं साबूदाने को तो वो बहुत ज्यादा चिपकेगा कढ़ाई में और खिला खिला नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको डबल बॉयलर पे ऐसे स्टीम देके बनाएं। आप देख सकते हैं हमारे साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। ये साबूदाने की खिचड़ी ठंडी होने के बाद भी इसका दाना खिला खिला रहेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी खिचड़ी बन के तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।